हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रोस्टेड कॉर्न की रेसिपी। रोस्टेड कॉर्न खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, साथ ही बारिश के मौसम में भुट्टों का अपना अलग ही मजा होता है। और ये भुट्टे तरह तरह की वैरायटी के बनते हैं। कुछ लोग इन्हें सिंपल भून के खाते हैं, कुछ लोग मसाला स्वीट कॉर्न बनाकर खाते हैं। तो आज मैं आपको रोस्टेड स्वीट कॉर्न बनाना बताऊंगी, वो भी मसालेदार। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये कि इसे मैं कढ़ाई में रोस्ट करूंगी। तो आइए हम देखते हैं कि मैं ये रोस्टेड स्वीट कॉर्न कैसे बनाती हूँ। इसके लिए मैंने लिए हैं फ्रेश कॉर्न, ये इन्हें मैंने छील लिया है अच्छे से। आप देख सकते हैं कि ये कॉर्न एकदम फ्रेश है, मुलायम वाले कॉर्न है। साथ ही मैंने लिया है पुदीने का पाउडर, भुने जीरे का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, साथ ही यहाँ पर लिया है चाट मसाला, नींबू, आधे नींबू की जरूरत होगी हमें। साथ ही ये है बटर, जिसे मैंने थोड़ा मेल्ट कर लिया है, काला नमक, लाल मिर्च का पाउडर, अगर आपको तीखा नहीं पसंद तो आप लाल मिर्च का पाउडर स्किप कर दें। साथ ही यहां पर है सादा नमक। तो आइए अब हम बनाना शुरू करते हैं रोस्टेड कॉर्न। सबसे पहले मैं बटर में सारे मसाले मिक्स करूंगी। हम थोड़े थोड़े सारे मसाले डाल लेते हैं। मसाले आप अपने अंदाजे से डाल लें, जैसा भी आपको पसंद हो। जिस मसाले का फ्लेवर आपको ज्यादा पसंद है वो आप ज्यादा भी कर सकते हैं। साथ ही यहां पर मैं डालूंगी थोड़ा सा नींबू का रस, बाकी का रस हम बाद में यूज करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। यहां पर बटर में मैंने सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप देख सकते हैं ये एक मिक्सचर की तरह तैयार हो गया है। अब हम कॉर्न पर इस बटर के मिक्सचर को अप्लाई करेंगे। इसे अच्छे से लगा लें पूरे कॉर्न पर। आप चाहें तो इसे हाथों से, स्पून से या फिर कैसे भी लगा सकते हैं। इस तरह से सारे कॉर्न पर हम ये मिक्सचर लगा देते हैं। यहाँ पर सारे कॉर्न में मैंने बटर और मसालों को अच्छी तरह से लगा दिया है। तो अब मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने एक बड़ी कढ़ाई लेकर रखी हुई है और इसमें मैंने नमक बिछाया है। नमक की मैंने एक परत बिछाई है, लगभग आधा किलो नमक की। और इस पर ये स्टील का स्टैंड रखा हुआ है, इसी पर रखकर हम अपने भुट्टों को रोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने गैस को ऑन कर दिया है जिससे कि नमक प्रीहीट हो सके। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम भुट्टों को कैसे रोस्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने ये एल्युमिनियम फॉइल का लिया है पैकेट। इस एल्युमिनियम फॉइल में हम भुट्टों को पहले रैप करेंगे। ध्यान रखें कि हमें इन्हें सिंगल रैप करना है, इस तरह से। इसके बाद से हम यहाँ से इसे काट लेंगे। इस तरह से इसे दोनों तरफ से हम रैप कर लेंगे। आप देख सकते हैं भुट्टे का मैंने एक रोल तैयार कर दिया है। इसी तरह से हम बाकी भुट्टों को भी रोल कर देंगे। नमक हमारा प्रीहीट हो चुका है तो यहाँ पर मैंने भुट्टों को भी रैप करके तैयार कर लिया है। एक बार में मैं दो भुट्टे ही रखूंगी। साथ ही हम इसे अच्छे से ढक देंगे और आंच को मैं मीडियम कर दूंगी। इसे हम 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही मीडियम आंच पर पकने देंगे। उसके बाद मैं भुट्टों को चेक करूंगी कि ये कितने रोस्ट हुए हैं। भुट्टों को मैंने 30 मिनट के लिए तेज आंच पर पकाया है और अब ये हल्के से ठंडे हो रहे हैं। इनका फॉइल पेपर उतार के मैं चेक कर लेती हूँ। ये बहुत अच्छे रोस्ट हुए हैं। दूसरा भी मैं खोल लेती हूँ। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया भुट्टे दिख रहे हैं। इन्हें हम पीसेस में कट कर लेंगे। तो मैंने पीसेस में काट लिया है। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे दिख रहे हैं। अब मैं इस पर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क देती हूँ। हाँ
साथ ही थोड़ा नींबू निचोड़ देते हैं। अब मैं यहाँ पर भुट्टे के पीसेस में टूथपिक लगा दूंगी, जिससे इसे खाना आसान रहे पकड़ के। आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया दिख रहे हैं ये। इस तरह से रोस्टेड भुट्टा बनाकर आप अपने परिवार वालों को भी खिलाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो पर लाइक का बटन दबाएं। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।